Xiaomi MIA2 मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आने से पहले मेरा कमेंट सेक्शन कुछ ऐसा होता था। फिर आया एक ऐसा समय जब Xiaomi MIA2 मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आया और उस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को पहले ही बोल देता हूँ कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मेरा ये लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि पहले से ही मैंने इस टॉपिक पे 5 से 6 वीडियोस बना रखा है और मुझे लगता है कुछ टाइम में मेरा चैनल पूरा कवर हो जाएगा Xiaomi MIA2 मोबाइल की वीडियो से ही। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकमन यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मंतु। गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जो Xiaomi MIA2 मोबाइल है उसके बारे में। तो जैसे कि आप सभी को तो मालूम ही होगा, यहाँ पे अप्रोक्स 1.5 से 2 महीना हो गया इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को आए हुए। तो जब भी कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आया था नया नया इस मोबाइल में, तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो बना के दिया था कि लाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो था कि इसमें अभी कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आ गया है, आप इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग को सुन भी सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लाइक बहुत से लोगों को यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग फीचर देखने को मिला ही नहीं था उनके मोबाइल में, और वो लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि भाई मुझे वीडियो लाइक मुझे ये फीचर नहीं मिला। तो मैंने आप सभी को वहां पे वीडियो भी बना के दिया था कि अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं मिला है तो आप कैसे ये कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल कर सकते हैं विदिन 1 मिनट। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फिर भी कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं मिला, लाइक मेरे ख्याल से 95% लोग सेटिस्फाइड थे और उन्हें ये फीचर मिल भी गया था। लेकिन मिलने के बाद कई लोगों का यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो अपने कॉल को रिकॉर्ड कर रहे थे तो सुन नहीं पा रहे, कुछ लोगों का कॉल बीच में कट हो जा रहा था रिकॉर्ड होना, तो वो लोग मुझसे पूछे कि भाई ये क्या है। तो मैंने आपको इस पे भी वीडियो बना के दिया था कि भाई अभी ये बीटा टेस्टिंग में है तो हो सकता है ये सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक जो बड़ा प्रॉब्लम आप सभी को सुनने को देखने को मिल रहा है, लाइक अगर आप नॉर्मल किसी अपने फ्रेंड के पास फोन देखे होंगे, लाइक अगर रेडमी का फोन हो गया या फिर और भी किसी कंपनी का फोन हो गया, हो सकता है आपने पहले भी अदर कंपनी के फोन यूज किए होंगे तो आपको उसमें कॉल रिकॉर्डिंग फीचर तो मिलता था। लेकिन इसमें और पहले वाले फोन में क्या डिफरेंस था कि पहले वाले फोन में तो आप डायरेक्ट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें आपको मिलता था और साथ ही में वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लाइक अगर आप मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड का कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको वहां पे मतलब कोई भी वॉइस सुनने को नहीं मिलता था और आपके फ्रेंड को भी पता नहीं लगता था कि आप उसके कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें एंड्रॉइड 1 मोबाइल की, लाइक यहाँ पे MIA2 मोबाइल के बारे में, तो यहाँ जब भी आप किसी भी फ्रेंड के कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग पे प्रेस करते तो आपको वहाँ पे एक जनरेटेड वॉइस सुनाई देता है, कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस, वहाँ पे बोलता है कि दिस कॉल हैज बीन नाउ रिकॉर्डेड। तो इससे आपको तो वो साउंड सुनाई देता ही है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है तो उसे भी सुनाई दे देता है। और मैं यहाँ पे 100% बोल सकता हूँ कि आपका फ्रेंड जरूर ही आपको टोक देता होगा कि भाई तू मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे यार अगर कोई अनपढ़ बंदा भी है, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन नहीं है, लाइक उसे इंग्लिश लिखने भी नहीं आता है ना, अगर तो अगर उसे ये वॉइस सुनाई देगा ना तो वो बंदा भी समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर आप कॉल को स्टॉप भी करते तो आपको वहाँ पे लास्ट में एक और वॉइस सुनने को मिलता होगा कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया गया है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे ये जानने आए हैं कि क्या हम इस कॉल रिकॉर्डिंग वाले वॉइस को ऑफ कर सकते हैं, तो भाई मैं पहले ही आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि यहाँ पे आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर जानना है कि फ्यूचर में इस वाले ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला साउंड है, क्या फ्यूचर में इसे बंद कर सकते हैं या फिर इसे लगाने का क्या रीजन है, इसे क्यों लगाया गया है। यहाँ पे रेडमी वाले मोबाइल में आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उस वाले मोबाइल में तो नहीं है, इस वाले मोबाइल में क्यों है। तो गाइस, अगर आपके मन में ये सारे सवाल है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा तो उस पर भी क्लिक कर दे। तो गाइस, बिना आपका समय गवाए चलिए इस वीडियो शुरू। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे कि ये वॉइस बंद कब होगा और कब नहीं होगा, क्या ये वॉइस बंद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा बताता हूँ कि यहाँ पे 50-50% चांस है कि फ्यूचर में इस रिकॉर्डिंग मतलब ये जो वॉइस है इसको बंद किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये वाला जो मतलब फीचर है, ये फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। जब ये फीचर स्टेबल होगा तो हो सकता है यहाँ पे बीटा टेस्टिंग के अंडर यहाँ पे जितने लोग इसको यूज कर रहे हैं वो लोग रिव्यू करें इस चीज को। आप चाहे तो खुद रिव्यू भी दे सकते हैं, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जा मिलता होगा फीडबैक टाइप का, तो आप वहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। और हो सकता है जब इस फीचर को स्टेबल पे रिलीज किया जाए तो वहाँ पे ये वाला वॉइस बंद कर दिया जाए। और गाइस, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये वॉइस आता ही क्यों है।
तो आने का सिंपल सा ये रीजन है गाइस कि यहाँ पे इंडिया में बात करें अगर, तो इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। क्या कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है? कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई रूल बना ही नहीं है। हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर में आपको इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर यहाँ पे कोई रूल देखने को मिले, क्योंकि कोई भी रूल कब बनाया जाता है, लाइक आपका घर ही है तो घर में मान लो कोई नौटंकी चल रहा है या फिर कोई मतलब मुद्दा हो गया तभी जाके कहीं भी कोई नियम बनता है। तो अभी इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर कोई ज्यादा उतना कोई सोच ही नहीं रहा, इस पे कोई चीज हो ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे इस पे कोई भी रूल बनाने का अभी किसी ने सोचा ही नहीं। हो सकता है कि इसके मतलब इससे भी कोई क्राइम होने लगे या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है कि इससे फ्यूचर में आपको इन सभी चीजों को देखते हुए आपको इंडिया में भी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर कोई रूल देखने को मिलेगा, कोई कानून देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज की बात कर लेते हैं गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे इनेबल करें। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ यार, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इसमें अभी इनेबल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करोगे तो मतलब इनेबल करने का मतलब क्या है, उसको ऑटो जनरेटेड वॉइस तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप क्लिक करते हो तभी वॉइस जनरेट होता है। और अगर आप, हो सकता है कि आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो किसी का नहीं करना चाहते, तो अगर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होने लगेगा तो एक लाइन से सभी को वॉइस चला जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते कि ये वॉइस आ ही क्यों रहा है। तो वैसे यहाँ पे मैं आप सभी को सिंपल सा बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आप अगर किसी का कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो वहाँ पे इलीगल होता है। लाइक अगर इंडिया में ही बात कर ले तो अपने पूरे मतलब अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर आप सिम कार्ड यूज करते हैं या फिर आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप सभी कस्टमर केयर से आप सभी ने कभी ना कभी तो बात जरूर ही किया होगा। लाइक हो गया वो अमेजोन पे किया हो या फिर आप जियो कस्टमर केयर से बात करते हैं या फिर किसी भी कस्टमर केयर से यहाँ पे बात करते तो आपको वहाँ पे भी एक वॉइस सुनने को मिलता होगा कि इस कॉल। तो गाइस वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वो लोग भी वहाँ पे उस कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, तो और वो लोग भी आपको सिंपल सा पहले ही बता देते कि आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो गाइस इसी सब चीज को देखते हुए ये जो एप्लीकेशन है मतलब ये जो फीचर है, ये फीचर आपको MI की तरफ से नहीं दिया गया है जो कि Xiaomi कंपनी है, ये वाला फीचर आपको गूगल की तरफ से दिया गया है। और हो सकता है गूगल ने इसको सभी कंट्रीज को देखते हुए ही मतलब एक कंट्रीज की तरह ही इस वाले फीचर को बनाया है और इसमें अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो बस दोस्तों यही थे कुछ सवाल जो आप सभी लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं और बार बार यही कमेंट आ रहा है। अगर मैं 10 में से 6 कमेंट्स की बात करूं तो 6 कमेंट मुझे इसी टॉपिक के ऊपर देखने को मिलता है कि भाई ये इस कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे ऑफ करें, कैसे ऑफ होगा ये कॉल रिकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा ही, और गाइस इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं ज्यादा नहीं रखते, 10 लाइक्स का रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो पे आराम से 10 लाइक कर दोगे। और गाइस अब तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है @TagAmanOfficial, तो आप सिंपल सा जाए यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।